दुनिया में कई तरह के रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें से इजिप्ट के पिरामिड्स एक है। कहते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड्स तत्कालीन इजिप्शियन राजा महाराजाओं के समाधि के रूप में बनाया गया था, लेकिन ये पिरामिड्स इसका निर्माण अभी तक के इंजीनियरिंग में एक आश्चर्यजनक संरचना बनी हुई है। इन पिरामिड्स के बारे में जितना स्टडी किया जाता है उतना ही लोग हैरान रह जाते हैं। इसीलिए इजिप्ट के वैज्ञानिक अभी तक हर साल इन संरचनाओं के बारे में अधिक खोज कर रहे हैं। ये पिरामिड्स पहले से ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षित स्थान रही है, लेकिन अभी तक ये पिरामिड्स बहुत सारे रहस्यों में डूबा हुआ है जो कि आज तक रिवील नहीं हो पाया है। आज हम बात करेंगे पिरामिड्स के कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जो कि पिरामिड्स को आकर्षित बनाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। पिरामिड्स अपने रहस्यों का आसानी से प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन उनके विषय में कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो उनके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि उनका निर्माण। मतलब गीजा पिरामिड्स इजिप्ट में 4500 साल आगे बनाया गया था, जो कि 19 सेंचुरी तक का ह्यूमंस का बनाया गया सबसे ऊंची संरचना थी। अब चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय में कोई भी टेक्नोलॉजी के ना होने के बावजूद वो इतने ऊंची और इतने परफेक्ट शेप स्ट्रक्चर कैसे बना लिए, ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरी बात है मोर इन नंबर। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि पिरामिड्स की संख्या कितनी है तो आपके दिमाग में आएगा 5 से 10, मगर नहीं, पृथ्वी में पिरामिड्स की संख्या है 5000 से भी ज्यादा, जो कि अभी तक की मिस्ट्री बनी हुई है कि उस समय एक पिरामिड बनाने में ही ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए, लेकिन कैसे उस समय इतने सारे पिरामिड बनाए गए, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। अब तीसरी बात है स्टोन्स वेट। इसका मतलब पिरामिड की जो एक एक पत्थर है वो एक हाथी के वजन से भी ज्यादा है। तो अब सवाल आता है, इतने भारी पत्थर को बिना किसी मशीन के अलावा एक जगह से दूसरी जगह और एक के ऊपर एक कैसे रखा गया? तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उस समय ह्यूमंस कितने पावरफुल थे कि इतना भारी पत्थर एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और ये पिरामिड्स बनाए। अब आता है चौथी बात, जो कि ये कहते हैं कि इस पिरामिड्स के अंदर इजिप्ट के राजा महाराजा और रानियों की डेड बॉडी को एक औषधि मिला हुआ कपड़े में लिपटाकर मॉमी बनाकर रखा हुआ जाता था, और उसके पास खाने के और पीने की सामग्री और पहनने के कपड़े सब कुछ रख दिया जाता था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि अभी तक किसी भी पिरामिड्स के अंदर से कोई भी मॉमी का उद्धार नहीं हुआ है। तो ये सवाल उठता है, तो फिर पिरामिड्स बनाया गया किस लिए? ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। पांचवी बात ये है द कॉम्प्लिकेटेड टनल्स। मतलब पिरामिड्स के अंदर इतनी सारी खुफिया और कॉम्प्लिकेटेड टनल्स बने हुए हैं कि इनमें रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल है। अगर आप किसी गाइड के अलावा अकेले इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं
तो फिर आपके गुम हो जाने का पूरा चांसेस है। और इसके अंदर कई सारे चैम्बर्स बने हुए हैं, जो कि ये माना जाता है कि सबसे नीचे वाला चैम्बर महाराजाओं के और उसके ऊपर वाले चैम्बर में रानियों के डेड बॉडी को रखा जाता था। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर किसी भी चैम्बर्स में कोई भी राजा रानियों की मॉमी नहीं है, तो फिर आखिर ये किस लिए बनाया गया था और ये खुफिया रास्ता ही क्यों बनाया गया था। नंबर 6, नेचुरल एयर कंडीशनर। इजिप्ट के पिरामिड्स की अगर बात की जाए तो देखा जाएगा इसके बाहर के टेम्परेचर इसके अंदर के टेम्परेचर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। बाहर के टेम्परेचर इतने गर्म होने के बावजूद भी पिरामिड्स के अंदर के टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि ये कोई एयर कंडीशनर की तरह काम कर रही हो। नंबर 7, सूर्य घड़ी। इजिप्ट के पिरामिड्स ऑफ गीजा सिर्फ विजिटर्स के लिए एक आकर्षित जगह और नेचुरल एयर कंडीशनर ही नहीं है, ये एक सन डायल भी है, यानी कि सूर्य घड़ी। जब ये पिरामिड्स बनाए गए थे तब सूर्य की पोजीशन को ऐसे ध्यान में रखकर बनाए गए थे कि इसकी परछाई एक सन डायल की तरह काम करती है। तो ये था पिरामिड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।